जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2024 को लेकर के खबर आई है, जो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। एनटीपीसी के आवेदन शुरू ही होने वाले हैं अब थोड़े दिन बाद ही, और ग्रुप डी की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, भर्ती कब तक होने वाली है, फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, सारी चर्चा हम करने वाले हैं। फिजिकल कैसा होता है, ग्रुप डी की योग्यता क्या होती है, ठीक है, सारी की सारी चर्चा करने वाले हैं। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलता है, ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ओमवीर रोजगार के ऊपर आपको तमाम भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से जो खबर आई है उस खबर को हम देखने वाले हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के जो भी खबर है उसको अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती 2024, रेलवे ग्रुप डी भर्ती शॉर्ट नोटिस जारी, आवेदन कब से शुरू होंगे, सारी चर्चा करने वाले हैं। महिला और पुरुष इसमें ऑल इंडिया के आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे की नौकरी है, पूरे देश में कहीं से भी हो चाहे आवेदन आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। आ जाओ भाई अब इसकी फटाफट से चर्चा करते हैं। देखो ये जो भर्ती है तुम्हारी, इसके आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। आवेदन जो हैं वो कब से शुरू होंगे, यानी कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। इसमें एज क्या होती है, एज की बात करें तो 18 से 33 साल की एज होती है। ओबीसी वालों की 18 से 36 साल, एससी एसटी वालों की 18 से 38 साल, ये तुम्हारी एज होती है। अगर इस एज में आप शामिल हैं तो इसमें आवेदन कर पाओगे। एनटीपीसी जो होती है, एनटीपीसी में आप 12वीं पास वगैरह, स्नातक वगैरह हैं तो आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ग्रुप डी के लिए तो केवल 10वीं पास ही आवेदन कर सकते हैं। कोई भी महिला पुरुष अगर 10वीं पास है तो वो ग्रुप डी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आईटीआई की, तो आईटीआई से संबंधित जो ट्रेड होते हैं उनके पद अलग से हैं, जिसमें आईटीआई मांगी जाती है। बाकी जो पद हैं उनमें कोई आईटीआई की जरूरत नहीं होती है, केवल 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस कंफ्यूजन में मत रह जाना कि साहब आईटीआई भी मांगी जाती है क्या, इसमें नहीं, आईटीआई के पद अलग से होते हैं, उनमें तो आईटीआई से लगानी पड़ती है फॉर्म। और जो गैर आईटीआई के पद हैं जिनमें केवल 10वीं पास से आप फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, इसमें भ्रम में मत रहना कि साहब आईटीआई नहीं है तो क्या हम ग्रुप डी की भर्ती देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो। ग्रुप डी के लिए केवल 10वीं पास सही है, आईटीआई की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म फीस क्या लगती है, ₹500 लगते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के, और एससी एसटी और जितनी भी महिला कैंडिडेट होती है उनके ₹250 लगते हैं। और ये पैसे जो हैं ये वापस भी मिलते हैं, जैसे ही आप एग्जाम में बैठ जाते हो तो एग्जाम में बैठते ही आपको फिर ये पैसे वापस मिल जाते हैं। 500 वालों के तो ₹400 वापस आ जाएंगे, और ₹250 जिसके लगते हैं एस सी एस टी और महिलाओं के ₹250 लगते हैं ना, तो इनके पूरे ₹250 के ₹250 वापस कर दिए जाते हैं। जैसे ही आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे, रिफंड हो जाएगी आपकी फॉर्म फीस। अगर आप एग्जाम देने नहीं जाओगे ना भाई तो ये फॉर्म फीस आपकी वापस नहीं मिलेगी, फिर तो ये रेलवे डिपार्टमेंट ही रखेगा, क्योंकि आपके लिए व्यवस्था करता है वहाँ पर, ठीक है ना। टेबल कुर्सी जचाते हैं, पेपर छपते हैं, सारी व्यवस्था होती है। फिर स्टूडेंट नहीं पहुंचता है तो फिर उसकी फॉर्म फीस वापस नहीं मिलेगी, ये बात है। अच्छा जी, अब इसमें चयन वगैरह कैसे होता है, तो सबसे पहले तुम्हारा एग्जाम होगा, फिर तुम्हारा फिजिकल वगैरह होगा, मेडिकल वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेडिकल वगैरह फिजिकल वगैरह क्या होता है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। फिजिकल में देखो, फिजिकल में नॉर्मल है, हाइट वगैरह नॉर्मल मांगी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट सबकी चलेगी, ठीक है जी, महिला हो पुरुष हो। ग्रुप डी का फिजिकल बता रहा हूँ मैं, ग्रुप डी में क्या होता है आपको वजन उठा करके फिर दौड़ना पड़ता है। जैसे पुरुष है
तो पुरुष को भैया 35 किलो का वजन उठाना है, 35 किलो एक कट्टे में वजन रख के यहाँ पे रखोगे आप आराम से ऐसे, ठीक है। 35 किलो का वजन उठा करके 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट के अंदर, आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस जरूर करना भाई, ठीक है। और इसमें जो महिला है उसका वजन 20 किलो रहेगा और वही तुम्हारी 100 मीटर 2 मिनट का समय, बस महिला को वजन में छूट मिली है भाई। पुरुष को 35 किलो, महिला को 20 किलो, महिला 15 किलो कम उठाएगी, समय बराबर है 2 मिनट का, रेस भी 100 मीटर की मारनी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको दौड़ करनी है 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की दौड़ करनी है जिसमें महिला को समय मिलेगा 5 मिनट 40 सेकंड और पुरुष को समय मिलेगा 4 मिनट 15 सेकंड। ये आराम से हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, प्रैक्टिस जरूर करें भाई, बगैर प्रैक्टिस के वहां पर मत जाना, वरना फिर दिक्कत हो सकती है ना, पैर वैर में एकदम से झटका आ जाए और भी कुछ समस्या हो सकती है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। 1 किलोमीटर की दौड़ होगी ये, ठीक है। 400 का ट्रैक है तो आपको 2.5 चक्कर लगाने हैं, कितने साहब, 2.5 चक्कर लगाने हैं, 2.5 चक्कर आपको महिलाओं को 5:40 में और पुरुष को 4 मिनट और 15 सेकंड में। अच्छा, अब बात करते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी इनकी, तो एनटीपीसी स्नातक में निकलती है भर्ती और दूसरा है 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास हैं तो भी एनटीपीसी में फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप स्नातक हैं तो भी आप एनटीपीसी में फॉर्म लगा सकते हैं। इस फॉर्म कब से शुरू होंगे, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा एनटीपीसी का, जून जुलाई 2024 दे रखा है साथियों, और जून भी कितना दे रखा है, 30 जून तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, इस बात का ध्यान रहे। और अब जून का ही महीना चल रहा है, समझ रहे हो ना, जून का ही महीना चल रहा है, 30 जून तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। एनटीपीसी वाले तैयार रहें भाई, कड़ा जुड़ रहे हैं अपने, ठीक है ना। हाँ, आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है 30 जून तक। स्नातक और 12वीं पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास स्पेशल 12वीं पास वाले में करें, स्नातक वाले स्नातक वाली में करें। वेतन वगैरह 42,000 है, खूब वेतन है रेलवे में, कोई दिक्कत नहीं है, वेतन की कमी नहीं है, यहां पर खूब पैसा है भाई रेलवे में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी कर रही है, ठीक है। बाकी सब सरकारी नौकरियों में जितनी भी जनता लगी हुई है उससे सबसे ज्यादा रेलवे में काम कर रहे हैं भाई लोग, ठीक है साहब। और इसकी जो शॉर्ट नोटिस वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ये अखबार की न्यूज आई है दैनिक भास्कर की, ये दैनिक भास्कर की न्यूज आपको कहां पर मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन आती है, जो भी सूचना आती है, और इसका कैलेंडर भी डाल दिया गया है टेलीग्राम पर, ये जो जारी किया था रेलवे बोर्ड ने वो भी उसमें डाल दिया गया है, तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको प्रूफ मिलता है, ठीक है जी। अब ग्रुप डी, जिसको लेवल 1 बोलते हैं, लेवल 1 बोलते हैं, ठीक है साहब, ग्रुप डी नाम है लेकिन इसको लेवल 1 बोलते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो कब तक आएगा, अक्टूबर में आ जाएगा भाई, तुम्हारा दीपावली आसपास आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर 2024 में आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसका फॉर्म शुरू हो जाएंगे साथियों अक्टूबर नवंबर में, कभी भी हो सकते हैं दीपावली के आसपास। इसमें केवल और केवल 10वीं पास योग्यता मांगी जाती है, आईटीआई की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आईटीआई भी है तो आप आईटीआई के जो ट्रेड हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेतन वगैरह इसका बेसिक पे तो 18,000 मिलता है साथियों, लेकिन प्लस में फिर इसमें डीएफए जुड़ा करके तुम्हारा 30-32 हजार रुपए वेतन पहुंच जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा वेतन है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के खाली पदों की संख्या गिनेंगे तो इसकी सूचना आई थी, ये लो खाली पद कितने हैं साथियों, 2,48,895, यानी कि 2.5 लाख के लगभग आपके खाली पद चल रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती मिले, ये है सूचना आई थी ये। अच्छा, अब देखो एएलपी की भर्ती हो चुकी है, सबको पता है जनवरी 2024 में बिड़ते ही नई साल में ही सबसे पहले धमाका एएलपी में हो चुका है। फिर रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती निकल चुकी है अप्रैल 2024 में, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती भी निकल चुकी है अप्रैल मई 2024 में। अब बारी है एनटीपीसी और लेवल 1 ग्रुप डी, तो एनटीपीसी के जो नोटिफिकेशन है वो जून जुलाई 2024 में, इसी महीने में जारी हो सकता है लास्ट तक, ठीक है, जून लास्ट तक आपका जारी हो सकता है एनटीपीसी का
तुम्हारा नोटिफिकेशन वगैरह। फिर बात करेंगे लेवल फर्स्ट ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर 2024 में जारी हो जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखें, जबरदस्त तैयारी रखें भाई, ठीक है। कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, एनटीपीसी का जून में कभी भी आ सकता है, 30 जून लास्ट है ये मान के चलो तुम। अच्छा, अब ये चीजें हैं, मैंने सारी चीजें बता दी, फिजिकल वगैरह के बारे में भी जानकारी दे दी है, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दे दी है, और एग्जाम कब हो सकता है, तो एग्जाम देखो भाई जो फॉर्म भरा गया है उससे 5-6 महीने बाद एग्जाम हो जाता है, आप तो यही मान के चलना कि अपना तो 4 महीने बाद ही एग्जाम है, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो अब एनटीपीसी वाले हैं, एनटीपीसी में तुम्हारा जून जुलाई में तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जैसे ही ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आएगा तो तुम्हारा एग्जाम हो सकता है, ऐसे मान के चलना तुम तो, ठीक है साहब। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गई है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।